नमस्कार। बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चुनावी परवान में मधुबनी महागठबंधन प्रत्याशी का सस्पेंस भी खत्म। फातमी शकील कीर्ति में किसी को जगह नहीं। मुकेश सहनी की नैया पर बद्री पूर्वे का संसद पहुंचने का टिकट कटा। पांचवें दिन दरभंगा में 3 नामांकन के साथ उम्मीदवारों की संख्या हुई 7। कुल 13 लोगों ने कटा रखा है रसीद। और बदले मौसम के मिजाज में झमाझम बारिश, गर्मी में भी ठंडक का एहसास। सड़कों पर सावन भादो जैसा जलजमाव का ट्रेलर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th MTSE KVPY ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford mein international level ki suvidhaye uplabdh hai, jaise ball pool, zoo, motu patlu and many more, jisse education ko banaya jata hai interesting. Sanford mein well-equipped classrooms, curriculum based activities और well qualified teachers के जरिए बच्चों को motherly care के साथ साथ उनके knowledge और communication skills को upgrade भी किया जाता है। वहीं होली के special offer में अपने बच्चे का निशुल्क admission कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है National Cinema Chowk, टेड़ी बाजार, दरभंगा। हमारा contact number है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800102953। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, अ को एजुकेशन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th बेस्ट एजुकेशन CBSE पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम। डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ टीचर्स हु विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक योर वर्ड अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मैन। रेसिडेंशियल कम डे स्कॉलर्स, कंप्लीट इंग्लिश एनवायरमेंट, एनरिच्ड लाइब्रेरी, साउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑल वायबल रूट्स एट मिनिमम कॉस्ट, प्ले वे मेथड फॉर किड्स, एक्स्ट्रा करिकुलम, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस क्लासेज, रिमेडियल क्लासेज, टीचिंग थ्रू वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड टीचर, स्पेशल स्ट्रेस ऑन गुड हैंडराइटिंग एंड डिसिप्लिन, वेल मैनेज्ड लाइब्रेरी हैविंग गुड स्टॉक ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स, एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सोशल एंड मोरल बिहेवियर फॉर मेकिंग देम नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग। Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School. Captain International School, jiska mobile number hai 9525022820,
एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। लोकसभा चुनाव में नामांकन के पांचवें दिन 3 नामांकन हुआ और इस तरह उम्मीदवारों की संख्या 7 हो गई है। पांचवें दिन तक 7 नामांकन, कुल 13 लोगों ने अभी तक जमानत की राशि की रसीद कटाई है। रविवार के दिन के बाद फिर सोमवार से और 9 तारीख को अंतिम तिथि है। 7 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख अभी 29 अप्रैल और मधुबनी की बात करें तो 6 मई तय है, लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल से दरभंगा संसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रारंभ है और पांचवें दिन तक कुल 7 प्रत्याशियों ने संसद के रास्ते का टिकट कटा लिया है। हालांकि बात करें तो अब तक जमानत के रूप में रसीद कुल 13 लोगों ने कटाया, जिसमें 7 ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कुल 6 अभी तक रसीद कटा चुके हैं। अगर ये सारे उम्मीदवारी देते हैं तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा समाहरणालय में पांचवें दिन कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इसके साथ ही इनकी संख्या 7 हो गई। शनिवार को जिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया उसमें जो चंदन साफी महीनाम के हैं, जो बहेरा थाना अंतर्गत हैं, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से इन्होंने 2 सेट में पर्चा भरा। इश्तियाक अहमद जो न्यू कॉलोनी धर्मपुर समस्तीपुर के हैं, इन्होंने भी 2 सेट में नामांकन दाखिल किया, जबकि ब्रह्मपुरा मनीगाछी के रहने वाले सियाराम सिंह ने 3 सेट में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। और मैं राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की तरफ से हमको टिकट मिला है। कौन पार्टी? राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से, फूल गोभी छा। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जी? अभी जो दरभंगा की जो है सर मुद्दा जो चल रहा है या जो भी है लोग कार्य कर रहे हैं, तो अभी निचले स्तर पर विकास के लिए जो है बहुत सारा चीज़ बाकी है। इसलिए मैं जीत कर मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने दरभंगा क्षेत्रीय में जो हमसे सारा लोग खुश रहे, ताकि मुझे फिर दोबारा उम्मीदवार बनने का मौका मिले। इससे पहले भी राजनीति में आप आए थे या पहली बार? नहीं, इससे पहले मैं राजनीति में नहीं है, मैं फर्स्ट बार जो है आप लोगों के आशीर्वाद दुआ और हमारे लोग क्षेत्र के दुआ आशीर्वाद से मुझे ये आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अचानक मौसम ने मिजाज बदला और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई और इस महीने में भी ठंड महसूस होने लगा और बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति देखते ही बनती। मौसम का बदला मिजाज, हालांकि 2-3 दिन पहले से इसका एहसास हो रहा था। जहां इस महीने में तपती गर्मी और लू चलनी चाहिए, इससे अलग हटकर खुशनुमा मौसम, गर्मी में भी ठंडक का एहसास और इस एहसास के बाद बारिश ने सराबोर कर दिया। गेहूं को तो थोड़ा नुकसान पहुंचा, हालांकि आम के मंजर को फायदा पहुंचा। लेकिन बात शहर की करें तो जहां एक ओर हरियाली छाई तो नीचे जमीन पर सावन भादों का नजारा दिखा, जल जमाव का नजारा। 6 माह से बारिश नहीं हुई तो नाला जाम था और इस जाम ने नगर निगम को एक बार सचेत कर दिया कि यह ट्रेलर दिख रहा है, आप सचेत हो जाइए अन्यथा फिर वही स्थिति होगी। बहरहाल एक ओर जहां पानी के लिए हाहाकार है, पानी के लिए कतार है, उस कतार में ठंडक मौसम ने कतार में कमी तो कर दी, लेकिन पानी की बहार सड़कों पर देखने के बाद लबालब नजर आया दरभंगा। सरफराज आलम के साथ वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। कलश स्थापना के साथ चैती नवरात्र का हुआ प्रारंभ। विभिन्न मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा की गई। प्रथम दिन मां भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की हुई आराधना।
और नववर्ष पर एक जुलूस का भी आयोजन किया गया। हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया गया कई जगह। सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शारदीय नवरात्रा का प्रारंभ और प्रथम दिन इसके साथ ही शुरुआत हुई चैत्र छठ और उसके बाद 13 तारीख को रामनवमी और 14 अप्रैल को विजयादशमी। दरभंगा शहर में आधा दर्जन जगहों पर दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित हुई है। 8 पूजा है इस बार और 13 को रामनवमी और 14 को विजयादशमी। माँ सहाय है, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली। आज कल स्थापना का मुहूर्त है, 6 तारीख को कल स्थापना हुआ है और पाठ पूजा पाठ चल रही है। फिर शाम में करीब 8:30 बजे आरती होगी और हम लोगों का कलश शोभा यात्रा जो है हर साल निकलती है षष्ठी तिथि को, जो 11 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकलेगी सुबह में 7 बजे। सच्चे दिल से धानु जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से धानु जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया माँ, भगतों की आन को बचा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। बाकी अभी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल एंड रेसिडेंशियल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2019-20, कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम विथ स्मार्ट स्क्रीन प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉरल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, मल्टीपल आर्ट ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम, एयर कंडीशन हॉस्टल फैसिलिटीज, दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद दरभंगा, कॉन्टैक्ट 06272247050, मोबाइल नंबर 9931689440, 9905374978, 9905479438। अल्फाबेट पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम प्ले नर्सरी ग्रुप LKG UKG अप टू क्लास 5th,
सेशन 2019-2020 एडमिशन ओपन वाइब्रेंट फन एंड स्मार्ट क्लासरूम्स प्लेग्राउंड एंड चिल्ड्रन राइट्स ट्रेंड एंड प्रोफेशनल टीचर्स फॉर एज स्टार्टिंग 24 प्लस मंथ्स कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एड्रेस इन बिटवीन जेपी चौक एंड मिलान चौक नियर मस्जिद सेनापत कॉन्टेक्ट 9431050473 8292735845। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा कॉन्टेक्ट 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनावी परवान में मधुबनी महागठबंधन प्रत्याशी का सस्पेंस भी खत्म। फातमी शकील कीर्ति में किसी को जगह नहीं। मुकेश सहनी की नैया पर बद्री पूर्वे का संसद पहुंचने का टिकट कटा। पांचवें दिन दरभंगा में 3 नामांकन के साथ उम्मीदवारों की संख्या हुई 7। कुल 13 लोगों ने कटा रखा है रसीद। और बदले मौसम के मिजाज में झमाझम बारिश, गर्मी में भी ठंडक का एहसास। सड़कों पर सावन भादो जैसा जलजमाव का ट्रेलर। इंतजार का पल हुआ खत्म। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट शनिवार को दोपहर जारी कर दिया गया। दरभंगा में छात्रों का रहा बेहतर प्रदर्शन। कुल 13,02,036 छात्र पास हुए पूरे बिहार में। इंतजार का पल हुआ खत्म। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट शनिवार की दोपहर जारी कर दिया गया। दरभंगा में छात्रों का रहा बेहतर प्रदर्शन। कई कोचिंग संस्थानों के बच्चों ने भी बेहतर रिजल्ट लाकर माता पिता के साथ ही गुरुजनों का नाम किया रोशन। मैट्रिक गुरु कोचिंग संस्थान के नायमा निसार, रिया झा, अमरजीत कुमार ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की। इसके साथ ही कई अन्य छात्र महताब आलम, आफिया, रमेश कुमार, राहुल कुमार, शबनम, मुस्कान, गीता कुमारी, मोहम्मद चांद अंसारी ने भी सफलता हासिल की। मेरा नाम नायमा निसार है और आज 10th श्रेणी का है, जिसमें मेरा मार्क्स है 426 है। हम बहुत खुश हैं और हम अपनी खुशी मम्मी पापा और सर नितिन सर को देना। मैट्रिक गुरु की तरह इस साल भी हमारे इंस्टीट्यूट मैट्रिक गुरु से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस बार भी मेरे यहाँ से हाईएस्ट अभी तक जो पता चला है, यानी 30 बच्चे में 25 स्टूडेंट हमारे यहाँ से फर्स्ट डिवीजन से पास किए, जिसमें हाईएस्ट मार्क अभी तक जो मुझे मालूम है 426 नायमा निसार को आया है। और ये सफलता क्रमबद्ध जारी रहेगी। मेरा प्रयास है कि हम आने वाले जितने भी बच्चे होंगे समाज में, उनको इसी तरह शिक्षा मिले। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अभी जैसा कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है, अभी CBSE का भी निकलने वाला है, यहाँ 10th के भी स्टूडेंट का वाला, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, कैसा रहेगा? विगत वर्षों में भी हमारे यहाँ CBSE 10th में 10 CGPA बहुत सारे स्टूडेंटों ने प्राप्त किया है। इस साल भी मेरा जो उम्मीद है पूरी तरह से कि इस बार उससे बेहतर, इस बार मार्किंग सिस्टम होने के कारण 450 के लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को आएंगे। मॉडर्न कोचिंग सेंटर के छात्रों ने भी सफलता हासिल की है। 10वीं के रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुकेश कुमार
408 अंक, धीरज कुमार 404, खदीजा परवेज 394, कुमकुम कुमारी 397, अनुष्का रानी 359। इसके अलावा कई अन्य छात्रों ने भी सफलता हासिल की है। मेरा नाम यास्मीन परवीन है और मेरा घर किलाघाट बाजितपुर मझौली है और आज मैं मैट्रिक में पास की हूँ और मैं मॉडल कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। अच्छा पढ़ाई होता है और सर अच्छा से पढ़ाते हैं, एकदम प्यार से पढ़ाते हैं और हम लोग सर आगे हमसे नहीं होगा। मेरा नाम खदीजा परवेज है और मैं किलाघाट बाजितपुर में रहती हूँ और इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम में रिजल्ट मिला है जिसमें मैं अच्छे नंबर से पास हुई हूँ और ये सब सर का देन है। जो मॉडर्न कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ती थी वहाँ के सर का नाम विद्यासागर है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ये उन्हीं का देन है जिसकी वजह से हम लोग आज इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं और ये उन्हीं की वजह से है जो हम इतने ऊपर हाईएस्ट मार्क्स पे पहुँचे हैं। और मॉडर्न कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, ये सब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ पढ़ते हैं। इस मॉडर्न कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर 2019 का जो वार्षिक परीक्षा फल आया है मैट्रिक वालों का, उसमें हमारी संस्था के तरफ से सही बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें मुकेश कुमार सहनी जो 408 मार्क लाया और खदीजा परवीन 394 मार्क। इस प्रकार से लगभग 14-15 बच्चे हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और बच्चे बहुत ही लगनशील, बहुत ही मेहनतशील और मैंने भी बच्चों के साथ जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया और बच्चे भी मेरे बातों को फॉलो किए। जो संस्था बहुत ही बड़ी संस्था है किलाघाट बैतरवा गंगा के 2010 में लगभग इसकी स्थापना हुई है और इस बार बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ और बच्चे जो बहुत खुश हैं नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? विद्यासागर सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, बहादुरपुर में भाजपा नेता नागेंद्र कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बहादुरपुर क्षेत्र अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सबको बधाई दे, हमारे वॉइस ऑफ आज में मैंने उसमें भी आ रहा होगा आपके डायल टोन पर भी अभी कर रहे होंगे। बात राजनीति की, जी हाँ राजनीति की धारा भी अजीब होती है, किस ओर कब मुड़ जाए कोई नहीं जानता। कल तक कोई किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, पार्टी का गुणगान कर रहा था, आज बेटिकट हुए तो सब बेगाने हो गए। इस बार का चुनाव में ऐसा ही हो रहा है, हमेशा एक दो बागी होते हैं, कुछ असंतुष्ट होते हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 2014 की तस्वीर 5 वर्ष पीछे जाते हैं तो यहां से कृति आजाद, संजय झा और अली अशरफ फातिमा, ये तीन ऐसे नाम हैं जिन्होंने त्रिकोणात्मक मुकाबले में अच्छे वोट लाए थे और 40,000 वोट से कृति आजाद ने अली अशरफ फातमी को हराया था। संजय झा को 1,05,000 ही वोट आया था लेकिन उन्होंने त्रिकोणात्मक संघर्ष बना दिया था। लेकिन ये तीन नाम हैं जो आज बेटिकट है। कृति आजाद क्यू में है, वाल्मीकि नगर या धनबाद से उम्मीद है, लेकिन अली अशरफ फातमी अब अगर चुनाव लड़ते हैं तो संभवतः उन्हें किसी छोटी पार्टी का सहारा लेना होगा या निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। संजय झा ने चुप्पी साध ली है, झंझारपुर में उम्मीदवार को जिताने में लग गए हैं और नए नाम गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी की बात करें जहां से कई दावेदार थे वहां से बद्री पूर्वे, राजू पूर्वे और बद्री पूर्वे को वीआईपी पार्टी ने टिकट दे दिया है और वह सिंबल लेकर आ गए। सस्पेंस खत्म हुआ, शकील अहमद हुए बेटिकट और कई हुए वो टिकट, फातमी हुए बैक। अब देखना है अली अशरफ फातमी जो लगातार दबाव बना रहे थे वे क्या करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था, उनकी रणनीति क्या होती है जबकि उनके बेटे केवटी से विधायक हैं जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आता है। रोमांचक मुकाबला हो गया है। ऐसी परिस्थिति में ये जो चार महारथी हैं, कांग्रेस के शकील अहमद, राजद के अली अशरफ फातमी, कांग्रेस में गए कृति आजाद और दरभंगा के तत्कालीन जदयू प्रत्याशी संजय झा, इन लोगों का क्या रोल होता है यह चुनाव का वक्त बताएगा और वक्त के साथ साथ यह भी बताएगा कि राजनीति की धारा के साथ इनकी धारा चलती है या विपरीत परिस्थिति में या शून्य परिस्थिति। राजनीति की धारा भी अजीब होती है,
ठीक सूखा और बाढ़ की तरह, कब सूखा पड़ जाए कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता, किस धार में कौन मिल जाए कौन बह जाए यह कोई नहीं जानता। कल तक जो अपने थे आज बेगाने हुए, और जो बेगाने थे वे अपने हो जाते हैं। बात जनता की जो है, जनता सेवा की जो है। 3 माह पहले इस भोज में किसी ने सोचा नहीं होगा कि सभी बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, पुराने साथी छूट जाएंगे, नए साथी अपने हो जाएंगे। माछ भात के भोज ने सबको एकजुट किया, भाई भोज की तरह, सहभोज की तरह। लेकिन जब टिकट की बात आई तो कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, किसी का दिल टूटा, किसी का घर टूटा, किसी को जमी याद आने लगी, किसी को इतिहास याद आने लगा, किसी को कुर्बानी की बात याद आई, किसी ने त्याग की बात कही। पिछले चुनाव की बात करें तो 2014 में दरभंगा से 3 कद्दावर उम्मीदवार, राजद के अली अशरफ फातमी, भाजपा के कीर्ति आजाद और जदयू के संजय झा थे। त्रिकोणात्मक मुकाबले में कीर्ति आजाद यहां से सांसद हुए, अली अशरफ फातमी 40,000 वोट से हारे। उस समय मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन वक्त बदला और अंततः वे तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। 3 सीट मिली, जिसमें एक मुजफ्फरपुर, एक मधुबनी और फिर खगड़िया। मधुबनी सीट पर अली अशरफ फातमी ने 1 साल से फील्डिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि दरभंगा सीट उन्हें उम्मीद थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को जाएगा या मुकेश सहनी को। गया भी, मुकेश सहनी को जाएगा तो तालमेल हो गया था, और बातों बातों में यह हुआ था कि दरभंगा में तो माछ भात खिला दिया, मधुबनी को भी शुद्ध कर दे। मुकेश सहनी ने हाँ भर दी थी, लेकिन जब नैया चली तो उसमें फातमी सवार नहीं हुए। फातमी ने बैठने की कोशिश की, उम्मीद जताई कि मुकेश सहनी के सहारे संसद तक शायद नैया पार लग जाए, लेकिन ऐसा अंततः नहीं हुआ, और जो पर्दा था वह खुल गया और उसमें से निकले राजद के उम्मीदवार नहीं, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बद्री पूर्वे जी। पिछले 1 साल से लगातार हर होर्डिंग पर नजर आए, राजद के क्षितिज पर नजर आए, बद्री पूर्वे ने किनारा क्या लिया, संसद का टिकट पा लिया और फातमी बेटिकट हो गए। राजनीति यही चीज है, कब किस पर कोई भारी पड़ जाए कहां नहीं जा सकता, कौन पीछे छूट जाए राजनीति आगे बढ़ जाए कहां नहीं जा सकता। इस बार की राजनीति में दरभंगा संसदीय से 3 उम्मीदवार किस्मत आजमाने वाले, जीतने वाले, हारने वाले सब बिखर गए। कीर्ति आजाद तो वाल्मीकि नगर और धनबाद के क्यू में है। फातमी अगर चुनाव लड़ते हैं तो किसी छोटी पार्टी का सहारा लेना होगा या निर्दलीय कूदना होगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? मधुबनी से वे लड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके पुत्र फिराज फातमी केवटी से विधायक हैं, उनके साथ द्वंद्व स्थिति होगी। वे पिता की ओर रुख करें या पार्टी की ओर, यह तो सवाल उठता है। ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि अली अशरफ फातमी मन महसूस करके रह जाएंगे, चुप्पी साधेंगे, जिस तरह से संजय झा ने चुप्पी साधी है। कीर्ति आजाद, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस का झंडा लहराकर संकेत दे दिया कि उनका कोई स्थान ही नहीं, राहुल गांधी ने सीधे भेजा है, कांग्रेस का सीट यह हो जाएगा। अली अशरफ फातमी ने उनके तामझाम को देखकर, मुकेश सहनी की बात को देखकर पहले ही किनारा पकड़ लिया था, लेकिन अफसोस किनारे पर भी नैया पार नहीं लगी और नैया डूब गई। अली अशरफ फातमी बेटिकट हो गए हैं। 7 बार संसदीय चुनाव लड़ने वाले, 4 बार संसद पहुंचने वाले, 1 बार राज्य मंत्री रहने वाले अली अशरफ फातमी बेटिकट हुए, 3 बार संसद का रास्ता नापने वाले कीर्ति आजाद वाल्मीकि नगर से लेकर धनबाद तक घूम रहे हैं। अभी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, सीट मिलेगी या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा। संजय झा ने अपना किनारा कर लिया, झंझारपुर में उम्मीदवार को जिताने में लग गए। नाराजगी इसी से दिखती है कि जब भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का नामांकन था, मदन सहनी दिखे, अमरनाथ गामी दिखे, लोजप्पा के रामचंद्र पासवान दिखे और
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी दिखे, सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री है वे भी दिखे, लेकिन संजय झा उसमें नहीं दिखे। यह कहा जाता है राजनीति। अब जनता करे क्या, जदयू और भाजपा और लोजपा का गठबंधन है, लेकिन लगातार कई वर्षों से इस पीच पर फील्डिंग करने वाले संजय झा जी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनता तो निर्णय लेगी ही। क्या राजनीति उम्मीदवारी पर है, जनता किसे वोट दे, यह एक विवाद का विषय रहा है। दल देखे, ऊपरी लीडर देखे या प्रत्याशी दिखे, इसका स्पष्ट जवाब कुछ नहीं मिला है। जनता वोट देती है अपने विकास के लिए, फायदे के लिए, सामान्य काम के निपटारे के लिए, लेकिन वोट देने के वक्त चौराहे पर खड़ा होती है कि हम उम्मीदवार का चयन करें या फिर पार्टी को देखें या फिर ऊपरी तौर पर देखें कि हमारा नेता राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कौन होगा। बहरहाल इस विवाद के बीच राजनीति के कई धुरी चारों खाने चित हो गए, नए ध्रुवीकरण बना है। भाजपा प्रत्याशी यहां से गोपाल जी ठाकुर हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो लालू यादव के करीबी रहे, इस बार मधुबनी नहीं, इस बार दरभंगा से किस्मत आजमाएंगे। मुकेश सहनी जिन्होंने दामन थामा है महागठबंधन का, खुद खगड़िया से पहलवानी करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरे को लड़ाएंगे। और मधुबनी एक ऐसी सीट थी जिसमें उनकी ओर चारों लोग घूम रहे थे, इसे किनारा कर करके पहले सुमन महासेठ का नाम आया, लेकिन जब संघ का पैंट पहने उनकी तस्वीर वायरल हुई तो उन्होंने उससे किनारा किया। कहा जाता है कि एक दरभंगा के जदयू विधायक को भी उन्होंने ऑफर दिया कि आप लड़ जाइए, लेकिन जदयू विधायक ने उस टिकट को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री क्या सोचेंगे। कहा जाता है कि एक भाजपा के नेता को भी उन्होंने ऑफर दिया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और अंततः टिकट मिला राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा में लगातार एक वर्ष से ताबड़तोड़ फील्डिंग करने वाले बद्री पूर्वे को, जो मधुबनी से किस्मत आजमाएंगे, अशोक यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई ऐसे नाम आ रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम मधुबनी से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है और उक्त बयान उन्होंने उपाध्यक्ष मकसूद आलम और पप्पू खान ने दिया है। अब देखना है कि अली अशरफ फातमी तो मैदान में नहीं है, लेकिन उनके कितने सहयोगी मैदान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कूदते हैं। राजनीति की झारा जब संसदीय चुनाव 1989 की बात करें तो अली अशरफ फातमी के इर्द गिर्द घूमती रही। 99 में पदार्पण हुआ कीर्ति आजाद का, उसके बिना भी राजनीति, संसदीय राजनीति की चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस बार क्षितिज से दोनों गायब हैं। पिछले बार कदम रखने वाले संजय झा भी गायब हैं, दो बार संसद रहने वाले शकील अहमद का भी नाम नहीं है। हुकुमदेव यादव ने तो खुद संन्यास लेकर अपना सीट बेटे को दे दिया है और इन नए खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला होगा। बेनीपुर से विधायक का चुनाव हारने वाले और केवटी से विधायक का चुनाव हारने वाले गोपाल जी ठाकुर और अशोक कुमार यादव इस बार पूरे तौर पर बड़े मैदान में, संसदीय मैदान में फील्डिंग करेंगे। उनका कहना है विधायक के चुनाव में माहौल अलग था, इस बार अलग बात है, मोदी लहर है, लेकिन राहुल गांधी के तेवर के साथ महागठबंधन के प्रत्याशी कितना मुकाबला दे पाते हैं यह तो मतदान के दिन ही पता चल पाएगा, जब ईवीएम में उनकी किस्मत बंद होगी जो 23 तारीख को मतगणना में खुलेगा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनावी परवान में मधुबनी महागठबंधन प्रत्याशी का सस्पेंस भी खत्म। फातमी, शकील, कीर्ति में किसी को जगह नहीं। मुकेश सहनी की नैया पर बद्री पूर्वे का संसद पहुंचने का टिकट कटा। पांचवे दिन दरभंगा में 3 नामांकन के साथ उम्मीदवारों की संख्या हुई 7, कुल 13 लोगों ने कटा रखा है रसीद। और बदले मौसम के मिजाज में झमाझम बारिश, गर्मी में भी ठंडक का एहसास, सड़कों पर सावन भादो जैसा जलजमाव का ट्रेलर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे राजनीतिक गतिविधियों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।